एक्चुअली में एच बी डी सी सिस्टम में होता क्या है इस डायग्राम के हेल्प से आप समझ सकते हैं इनपुट एंड आउटपुट एंड पर ए सी सिस्टम रहता है ए सी सिस्टम से ए सी पावर इनपुट होता है एंड कन्वर्टर स्टेशन में उसको डी सी पावर में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग रेक्टिफायर एंड उस डी सी पावर को लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करते हैं जहाँ पर ट्रांसमिट करना होता है रिसीविंग एंड पर भी एक कन्वर्टर स्टेशन रहता है जहाँ पर इन्वर्टर के हेल्प से डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन उस एसी पावर को लोड के क्रॉस यूटिलाइज करते हैं इस एच सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेरियस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का यूज करा जाता है जिसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कन्वर्टर स्टेशन टर्मिनल सब स्टेशन जो रहता है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसको रेक्टिफायर टर्मिनल बोलते हैं एंड जो टर्मिनल सब स्टेशन डी को ए में कन्वर्ट करता है उसको इन्वर्टर टर्मिनल बोलते हैं नेक्स्ट है कन्वर्टर यूनिट ए सी टू तो डी सी एंड डी सी टू तो ए सी कन्वर्जन एस वी डी सी कन्वर्टर स्टेशन में होता है बाई यूजिंग थ्री फेज ब्रिज कन्वर्टर इस ब्रिज सर्किट को क्रेट ब्रिज सर्किट भी बोलते हैं जिसको कि आने वाले लेक्चर में समझेंगे स्मूथिंग रिएक्टर स्मूथिंग रिएक्टर जो है इन्वर्टर में कम्यूटेशन फेलियर को अवॉइड करता है एंड हारमोनिक्स को रिड्यूस करता है एंड लोड के क्रॉस जो करंट फ्लो करती है उसमें डिसकंटिन्यूस करंट को अवॉइड करता है स्मूथिंग रिएक्टर ऑयल फील्ड ऑयल क्लोज रिएक्टर होता है हैविंग लार्ज इंडक्टेंस जो कि कन्वर्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है स्मूथिंग रिएक्टर डीसी करंट में प्रेजेंट रिपल को स्मूथ करता है डी लाइन में फोल्ड करेंट को रिड्यूस करता है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोड इट इज़ कंडक्टर यूज टू कनेक्ट सिस्टम टू अर्थ सिस्टम को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है नेक्स्ट है डीसी लाइन डीसी लाइन में क्या होता है कि या तो केबल होगा या फिर ओवरहेड कंडक्टर होगा जिसके थ्रू डीसी करंट को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे नेक्स्ट है रिएक्टिव पावर सप्लाई इसमें मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्टिव पावर होता है इसके लिए कैपेसिटर का यूज़ करते हैं कन्वर्टर्स के ऑपरेशन के लिए रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है द एडिशनल सप्लाई में ऑल्सो भी ऑपटेन फ्रॉम सन्ट कैपेसिटर एंड स्टैटिक वी ए आर सिस्टम नेक्स्ट है फिल्टर एच वी डी सी कन्वर्टर्स में ए सी एंड डी सी हारमोनिक्स जेनरेट होता है ए सी हारमोनिक्स ए सी सिस्टम में इंजेक्ट होता है एंड डी सी हारमोनिक्स डी सी लाइन्स में इंजेक्ट होता है हारमोनिक्स के कारण टेलीफोन लाइन्स में इंटरफेरेंस क्रिएट होता है हारमोनिक्स के कारण कनेक्टेड कैपेसिटर्स सिस्टम एंड मेन लाइन में पावर लॉस होता है हारमोनिक्स के कारण ए सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट होता है जिसके कारण ओवर वोल्टेज प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसके कारण कन्वर्टर्स कंट्रोल में इनस्टेबिलिटी ओकर होता है हारमोनिक्स को मिनिमाइज करने के लिए एसी फिल्टर डीसी फिल्टर एंड हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स का यूज किया जाता है एसी फिल्टर एक आरएलसी सर्किट होता है जो कि फेज एंड अर्थ के बीच कनेक्ट रहता है जो कि हारमोनिक्स को लो इंपिडेंस ऑफर करता है जिससे ए सी हारमोनिक्स अर्थ में पास हो जाती है अल्सो जो ए सी हारमोनिक फिल्टर रहता है अस्टेटिक सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ कन्वर्टर्स के लिए रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करता है डी सी फिल्टर जो डी सी फिल्टर है वो पोल बस एंड न्यूट्रल बस के बीच कनेक्ट रहता है इट डाइवर्ट्स द डीसी हारमोनिक टू अर्थ डी सी हारमोनिक्स को अर्थ में डाइवर्स करता है नेक्स्ट है हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर एच वी टी सी कन्वर्टर्स जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ प्रोड्यूस करता है इन द कैरियर फ्रिक्वेंसी बैंड फ्रॉम ट्वेंटी किलो हर्ट्स टू फोर नाइन्टी किलो हर्ट्स एंड ऑल्सो रेडियो इंटरफेरेंस नॉइज भी जनरेट करता है इन मेगा हर्ट्स रेंज फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर का यूज़ नॉइज़ एंड इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है विथ पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन हाई फ्रिक्वेंसी फिल्टर जो है वो कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेशन ए बस के बीच कनेक्ट रहता है रिएक्टिव पावर सोर्स कन्वर्टर्स के ऑपरेशन के लिए रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट होता है एंड एसी हार्मोनिक फिल्टर्स जो रहता है वो रिएक्टिव पावर पार्शियली प्रोवाइड करता है द एडिशनल सप्लाई में ऑल्सो भी ऑपरेट फ्रॉम सन्ट कैपेसिटर मोडिफायरस एंड स्टैटिक बी सिस्टम एंड जो चॉइस है वो स्पीड ऑफ कंट्रोल डिजायर पर डिपेंड रहता है एच डी सी सिस्टम पोल एच वी डी सी सिस्टम पोल एच वी डी सी का एक पार्ट होता है जो कि एच वी डी सी सब स्टेशन से मिलकर कंसिस्ट होता है इट आल्सो इंटरकनेक्ट्स द ट्रांसमिशन लाइंस ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन जहाँ पर इसका डायरेक्ट पोलारिटी जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है टाइप्स ऑफ एच वी डी सी सिस्टम फर्स्ट वन इज़ बैक टू बैक एच पी डी सी स्टेशन उस टाइप का एच पी डी सी सिस्टम जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बिटवीन ए सी बसेस एट द सेम लोकेशन, एज कोल्ड बैक टू बैक सिस्टम और एच पी डी सी कपलिंग सिस्टम इस टाइप के सिस्टम में कन्वर्टर्स एंड रेक्टिफायर्स जो है वो सेम स्टेशन में इंस्टॉल्ड रहता है जो बैक टू बैक सिस्टम है वो एस इंक्रोनस प्रोवाइड करता है बिटवीन टू एडजस्टेंट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड ए सी नेटवर्क विदाउट ट्रांसफरिंग फ्रिक्वेंसी डिस्टर्बेंस जो कि ओवरऑल कन्वर्जन कोश को रिड्यूस करता है एंड डी सी सिस्टम के रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है इस टाइप का जो सिस्टम है वो बाइपोलर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है नेक्स्ट है टू टर्मिनल एच पी डी सी सिस्टम उस टाइप का एच पी टी सी सिस्टम जो टू कन्वर्टर स्टेशन से मिलकर कंसिस्ट होता है

इस टाइप के एच सिस्टम में टू और मोर देन टू कन्वर्टर स्टेशन एंड डीसी टर्मिनल लाइंस रहता है कुछ कन्वर्टर स्टेशन एज अ रेक्टिफायर ऑपरेट होता है जबकि कुछ स्टेशन एज अ इन्वर्टर ऑपरेट होता है द टोटल पावर टेकन फ्रॉम द रेक्टिफायर स्टेशन इज इक्वल टू द पावर सप्लाइड बाय द इन्वर्टर स्टेशन मल्टी टर्मिनल डी सिस्टम दो टाइप का होता है एक सीरीज मल्टी टर्मिनल डी सिस्टम होता है एंड एक पैरल मल्टी टर्मिनल डी सिस्टम होता है सीरीज एम टी सिस्टम में जो कन्वर्टर्स है वो सीरीज में कनेक्टेड रहता है फायर इन पैरल एम टी सिस्टम जो कन्वर्टर्स है वो पैरल में कनेक्टेड रहता है जहाँ पर जो पैरल एम टी सिस्टम है विदाउट एसवीडीसी वी सर्किट ब्रेकर्स के ऑपरेट हो सकता है मल्टी टर्मिनल डी सिस्टम जो रहता है वो इकोनॉमिकल एंड फ्लैक्सीबल होता है इंटरकनेक्टेड एसी नेटवर्क में फ्रीक्वेंसी ओ जो रहता है वो क्विकली डैम्प्ड हो जाता है दैवली लोड ए सी नेटवर्क कैन बी रैन फोस्ट बाई यूजिंग एम टी डी सी सिस्टम तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप ईजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुँच सकें